मारीना संदेश लाइव। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में, मैं उफाद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बताओ यूट्यूब चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से, बताते चले हैं आपको कि भाजपा कार्यकर्ता आशीष राय ने आला अधिकारियों सहित सभी को भ्रष्टाचारी बताते हुए क्या कहा है, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। और साथ ही अधिशासी अधिकारी को भी निलंबित करने की मांग की है, आइए वीडियो देखें। क्या है उसके लिए कई बार आवाज़ उठाते रहे हैं, क्या बोले हैं कि शारदा सहायक नदियों के लिए क्या कार्रवाई करें? जी मैं कई बार उनसे मिला और ज्ञापन भी दिया गया, इसके पहले भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शारदा सहायक नदी का पानी इतना दूर से आता है जो कि नहर में हमारे यहाँ कभी नहीं आ पाता है, ठीक। इस पर भी उनके एक्शन चाहे कोई जे ही हो, किसान दिवस में कभी नहीं आते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी अभी आपदा को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं जिसमें हम लोग कहेंगे सर सर्वे कराइए। व्यक्तिगत हमारा खुद 10 बीघे में धान लगवा दिया था, पूरा खराब हो गया है। किसान दिवस के दिन भी कहा, आज भी कहा हूँ। नाले की क्या बात है, हमारे खेत से गुजरी हुई नहर है, दोनों तरफ है, और मैं कुछ नहीं तो 100 पत्रक दे चुका हूँ और अभी तक सफाई नहीं हुई। और आप कह रहे हैं कि आओ सफाई होती तो उधर से पानी, तो कह रहे हैं कि नहर की बातें मत करिए। ये कौन सी बात हुई भाई, जब नहर से बातें नहीं करेंगे तो फिर हमारे ज्ञापन देने का क्या मतलब हुआ? क्यों नहर से पानी नहीं निकलेगा? जो ऊंच का पानी होगा, ऊंचास का पानी, वो नहर में नहीं गिरेगा? नहर से तो पानी निकलेगा, चाहे नाला से निकलेगा। बस एक शब्द कह रहे हैं कि आप लोग सब पाटे हुए हैं। ठीक है सर, पाटे हुए हैं या पाटे हुए हैं तो उसकी खुदाई आप कराइए। एक्सएम को निलंबित करने की बात इससे पहले भी कही है उन्होंने किसान गोष्ठी में, जिला जी नहीं कर पा रहे हैं। बस कहा जाता है, किया नहीं जाता है, चाहे वो सरकार हो चाहे अधिकारी हो, बस ये लोग कहते हैं, ठीक ना, करते नहीं हैं। सरकार भी किसानों की आय दुगुना कर रही है, मौका पे कुछ नहीं है। 65 पैसे धान का रेट बढ़ा है, क्या होगा किसान का? कुछ नहीं होने वाला है। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह हमारी खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं।